इंसान के पैदा होते ही एक अजीम इबादत, एक बहुत बड़ा तरीका, इतना बड़ा कि सारी जिंदगी जो है इंसान की उस चीज पे मुनहसर करती है। हमारी इबादत, हमारी जिंदगी, हमारी आखरत, जितनी भी जिंदगी हमारी मेहनत होगी आखरत के लिए, इब्तदाम ही अल्लाह ताला ने वो सबक हमें दे दिया, बल्कि वो इबादत अल्लाह ने दे दी कि जिसकी वजह से वो सब कुछ कबूल होगा। और इंसान की दुनिया में भी आखरत में भी इज्जत, ऊंचाई, बुलंदी, कुर्ब इलाही सब को सब उसी पर मुनहसर करता है। वो कब पता हुआ कि जैसे ही आप दुनिया में आए, आते ही ये चीज अल्लाह ताला ने नियत फरमाई। अब इतनी बड़ी चीज है कि अगर इंसान उसको भूल जाए, उसको तर्क कर दे अपनी जिंदगी से, तो महरूम जमान हो जाता है, दर बदर हो जाता है, बेकार हो जाता है, मोहताज हो जाता है, जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है, बेकदर हो जाता है, पस्तियों की गहराइयों में चला जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है, आप सोचे क्या चीज है, कितनी अहम चीज है कि जिसको भूलने के बाद इंसान अपनी जिंदगी में उतारने के बाद ना वजह से हमेशा इंसान नाकाम रहता है। वो है तवक्कल। हमें तो अब तक समझ नहीं आया, इस हिस्से में पहुंच गए तो अल्लाह ने पैदा होते ही बताया था तवक्कल, तो सबसे पहला लेसन ये दिया था कि जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, आ गए हो, तो काम बनेगा तो एक ही चीज से बनेगा कि जब अपने रब पे तुम भरोसा करोगे, दरवाजे साले उसी से खुलेंगे। सबसे बड़ी चीज देखें आप जो जिंदगी हमें दर बदर करती है, रुसवा करती है,
झूठ तरफ आमादा करती है, फ्रॉड की तरफ आमादा करती है, बेईमानी की तरफ आमादा करती है, हर गुनाह करा देती है, हर गुनाह के लिए आमादा करती है, इबादतों को बर्बाद करती है। वो क्या चीज है? भूख, पेट। सारी जिंदगी इंसान इसी के लिए सरगर्दा हो जाता है, लेकिन उसका पेट भरता नहीं है, मुतमिन नहीं उसका। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसका इलाज दिया है कि इसका इलाज एक ही है, मुतमिन होना चाहते हो, दर बदर फिरने से बचना चाहते हो, हाथ फैलाने से बचना चाहते हो, बेईमानी से बचना चाहते हो, क्योंकि भूखी बेईमानी कराती है इंसान को। रिजक जिसकी वजह से इंसान सरगर्दा फिरता है, इधर खाऊं उधर खाऊं ऐसे खाऊं कैसे जमा करूं उधर करूं, हराम पे जाता है, बुराइयों पे जाता है, गलत काम भी करता है, झूठ भी बोलता है, फ्रॉड भी करता है, सूद भी खाता है, सिर्फ इसलिए भाई शायद मैं ये सन करूँ तो कैसे मिलेगा, ये काम ना किए तो मुझे कैसे मिलेगा, फला ना किए तो कैसे होगा। उसके लिए नमाजें भी छोड़ देता है, उस हसूल के लिए, इज्जत के लिए नमाजें छोड़ता है, अल्लाह के अहकाम को तर्क करता है, अल्लाह की जो उस पर अहकाम हैं उसको ख़त्म कर देता है, लोग हकूक खा जाता है सिर्फ एक चीज़ के लिए। तो उन्होंने पैदा होते ही उसका इलाज बताया, पैदा होते हैं ना बच्चा, तो सबसे पहले रोते हैं, रोने के बाद उसका निर्माण क्या होती है, क्यों रोते हैं, वही जिसके लिए जिंदगी मैं बताए स्टार्ट से हमारा यही काम है, पेट के लिए रोते हैं, उसे भूख लगती है। जी हाँ, मुझे आपको सबसे पहले क्या लगी थी, भूख लगी थी, जब बच्चे पैदा हुए सबसे पहले काम करेगा, तो क्या बताया उस बच्चे को, पैदा होते ही बताया तू तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, तूने तवक्कल रखा अपने रब पर, बच्चे मासूम है ना, वो तुझसे रोया है, उससे रोया है, नहीं तवक्कल किस पर था उसका, अल्लाह पर था, तो नहीं तवक्कल पैदा ही हुआ है, तू पैदा हुआ तो फुल तवक्कल के साथ हुआ, तो तुझे क्या, जिस मालिक पे तुमने तवक्कल किया है तो तेरे रिज़्क़ तो मैंने पहले इंतजाम कर दिए। उस माँ की छाती में मैंने तीते खुराक रख दी है, सर्दियों में गर्म मिलेगी और गर्मी तुझे सर्द मिलेगा दूध, माशाल्लाह। अंदाजा ये क्या बताया हमें, तुमने अगर तवक्कल किया, पहला सबक दिया किस चीज का, तवक्कल दिया है अल्लाह ताला ने, समझ आ रही मेरी बात, नहीं आ रही, पहला सबक हमें ये मिला था कि अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है और हर काम पे तुमने मजबूत हो जाना है, सबसे बड़ी काम कमजोरी तुम्हारी रिजक होगा, जिसके लिए तुम भागे फिरोगे, ना मुर्ग देखोगे, ना घर देखोगे, ना बच्चे देखोगे, सबसे पहला फिक्र तुम्हें ये रो इसका होगा, अब कहां से खाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब फना कैसे होगा, सबसे पहला शैतान जो इंसान को पूरी जिंदगी सरगर्दा रखता है इस एक चक्कर के अंदर रखता है, उसका पैदा होते ही इलाज कर देगा, तूने अगर तवक्कल किया तो तुझे रिज़्क ऐसे ही दूंगा जैसे किस बच्चे को दे रहा हूं मैं, तब वो कर तू मुझ पर कर, रिज़्क तेरे पीछे खुद आएगा। एक जगह नहीं कुरान में, कितनी जगह बातें फरमाए, ये रिज़्क के लिए मैं रिज़्क भी दूंगा तो बहुत आद रिज़्क दूंगा, बेहिसाब दूंगा रिज़्क तुझे, हम तकिल्ला हो ये जल्ला मखरज में हैज तास, तब वक्कल तो तू करके देखना, ऐसी ऐसी जगह से तू रिज़्क अता फरमाओगे जिसका तू वहम गुमान भी ना करेगा। लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया तवक्कल, तो ऐसा जलील ख्वार करूंगा तुझे, दर बदर कर दूंगा, मोहताज कर दूंगा, भिखारी बना दूंगा, क्यों,
कि तूने खालिक को छोड़कर मखलूक की तरफ गया है, खालिक को छोड़कर तूने मखलूक का सहारा लिया है, मखलूक से फिर तुझे मैं जलील कर, मखलूक तो किसी काम पूरा कर ही नहीं कर सकते, तूने अपने खालिक को छोड़ा, तू अगला तवक्कल कर गया अल्लाह में रब पर, तुझे घर बैठे मैं दूंगा रिस्क, तेरे पास पहुंचेगा, असबाब इस्तेमाल करने होंगे, अल्लाह की तरफ दिए हुए असबाब खत्म नहीं होते, तो उन असबाबों में तेरी बरकत दे दूंगा, तुझे मुतमईन कर दूंगा मैं, जो तेरी जरूरत मुझसे ज्यादा कौन जानता है, तेरे पेट को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, तेरी खुशहाली को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, रबी जानता है ना, तो अभी तू पैदा हुआ था तो मैंने तेरा इंतजाम कर दिया खाने पीने का, और ऐसा इंतजाम किया है कि ना सिर्फ इंतजाम किया है बल्कि वो मिन्नत करके तुझे खिलाएगी तेरी माँ, अगर तू नहीं खाएगा कभी तो रोएगी पीटेगी, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको तावीज तो दस लगाओ, कहते इसी तरह रिज़्क तेरे पीछे जाएगा, तू भागेगा और रिज़्क तेरे पीछे पीछे आएगा, और जब तक तू रिज़्क के पीछे भागता रहेगा रिज़्क तुझसे आगे भागता रहेगा, सही है दोस्तों गलत है, हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, पाकिस्तान से भागे उधर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, मिलता वही किस्मत से लिखे है तुम, वो तुम वध ना काट, लेकिन वो एक नफ्सियाती असर होता है कि नहीं यार यहाँ सौखे हैं, यहाँ हमारा सही कुछ है, किसी पाकिस्तान से देखो तो हंसते हैं आपकी बातों पर, एक ऑरेंज लेने जाते हैं ना पता नहीं देखते हैं उसको कितने का है, कितनी पैनी का, कितने वहां ढेर लगे होते हैं ऑरेंजों को, सड़कों में पड़े होते हैं आप लोग तो है ही नहीं, आम के एक डब्बा से मिलता है चार आम होते हैं, दो तीन सड़े भी होते हैं, बड़े खुश होते हैं आम, वो पता नहीं कितना से चो वहां जगह तो दरख्त में सब बिखरे होते हैं, आम से कोई तस्वर भी नहीं कर सकते, वहां सब भूखे मर गए, उनको रिजक नहीं मिलता, उनको खाने को नहीं मिलता, सवाल ही पैदा, जिसने तवक्कल अख्तियार कर लिया अल्लाह ताला कहते हैं कि तेरी पैदाइश का पहला सबक ये दिया अल्लाह पाक ने, ये बड़ी इबादत, सबसे बड़ी इबादत तवक्कल है, सब तो सब इबादतों की जड़ है, जिसमें तवक्कल नहीं उसकी नमाज क्या होगी, उसका रोजा क्या होगा, उसका तवाफ क्या होगा, कि जिस रब का तवक्कल ही नहीं है तो उसकी नमाज पर सजदा क्या कर रहे हो आदमी, बताए जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब तक दिल ही तेरा मुसलमान नहीं हुआ तो उसमें बनना क्या तेरा, जबान दिल जो मुसलमान है तो क्या हासिल, कह भी दिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रहा, असल चीज है कि लैला दिल में तेरे अंदर आया ही नहीं आया, जिसके दिल में लैला आ गया उसके दिल में तवक्कल जरूर होगा, दर बदर नहीं होगा, आशा किस पे रखेगा, अपने रब पर रखेगा, मामले सारे जिसको बनेंगे अल्लाह के अल्लाह से बनेंगे, और यही वजह है कि आज तवक्कल उठा, वही मुसलमान कौम जो कुरान रखने वाली कौम है, ईमान रखने वाली कौम है, आप देखें क्या हाल है, वजह बर्बादी की, वजह हालात खराब हमारे से होते हैं, बावजूद इतनी बड़ी चीज रखने के बावजूद जो हमें सबको दे रही है इस चीज का, हमने इसको छोड़ दिया है, गैरों में तो बिल्कुल शुरू कर दिया हमने, गैरों से जलील कराया अल्लाह ताला, कुत्ते की तरह कीड़ करते हैं हम लोगों को, कौन पूछते हैं मुझे बताएं, दुनिया की वक्त है आज, कितनी शर्म की बात है, तो कसूर किसका है, हमारा है, अल्लाह की एक इतनी बड़ी चीज को आप देखेंगे, पैदा होती जो अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसास दिलाया हमें, सबसे पहले एहसास दिलाया कि घबराना ना, भूख भूख का सब इंतजाम किया, तेरा एक सिर्फ काम है, सिर्फ तेरा एक ये काम होगा, तूने अपने रब के अहकामात को पूरा करना है बस, उसकी वजह से तुझे ना छोड़ना किस चीज को कि तू जिसकी वजह से तू सब कुछ खत्म कर, बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा आपने, कितने बड़े अल्लाह के वली थे, जुनैद बगदादी उनके बारे में कहते हैं कि इनका मुकाम औलिया अल्लाह में ऐसा है कि जैसे जिब्रील का फरिश्तों के अंदर है,
सरदार हैं सारे औली अल्लाह के भाई अजीज बस्तानी रहमत नक्शबंदी शेख हैं हमारे सिलसिले में पांचवें दर्जे पर आता है अबू सदीक सलमान फारसी कासिम जाफर सादिक उनसे हैं भाई अजीज बस्तानी और जाफर सादिक हिंद के शेख थे इनसे नक्शबंदी सीखा उन्होंने भाई अजीज बस्तानी इन्हीं तरबियत में थे बात याद आ रही है एक दफा शेख थे उन्होंने कहा कि राजीद मेरे ताक से ताक कहते हैं जिस तरह कुरान रखे इसको ताक कहते हैं ताक से जहां मेरी फलां किताब उठा के लाओ वार्डरोब से अलमारी से तो उन्होंने कहा हजरत किधर है आपकी वार्डरोब कहाँ है कमाल है इतने अरसे से तू मेरे साथ रह रहा है और तुझे अभी तक मेरी बॉर्डर ऑफ का नहीं पता किधर है मेरी रुमाल की नहीं पता कहते हजरत माफी अर्ज करता हूँ मैं तो जितने से आपके पास रह रहा हूँ मैं तो सर उठाया ही नहीं ऊपर सुभान अंदाजा नहीं अदब मेरे अदब ने गवारे नहीं किया अपने शेख के सामने मैं सर बुलंद करूं बाद नसीब ऐसे नहीं बने बाजदी अब्दुल जिलानी मोहिद्दीन चिश्ती इन्होंने असूलों को अपनाया है भाइयों हम तो ऐसे इतराज़ बहुत कर देते हैं लोगों पर बड़े कड़े कड़े इबादत हम भी करते हैं वो भी करते हैं जो नमाज हम पढ़ते हैं नमाज वो भी पढ़ते हैं जो कुरान हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं मस्जिद क्या चीज़ें जो उनको बुलंद करती हैं सुबह ये आप देखें किन टिप्स को पकड़ा है अल्लाह तक पहुँचने के लिए वो हमारे लिए जीरो हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है जिस वक्त भाई यजीद ने फरमाया कि जी मैं तो सर ही नहीं उठाया कभी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है आप हमारे उस्मान दावानी रहमतुल्लाह उनके पीछे हड्डी बाहर निकली हुई थी तो किसमें सर ये क्या बात है कहते मैं सोबत शेख ज्यादा ली है तो इसलिए मैं मेरी हड्डी निकली उससे क्या ताल्लुक फरमाया कि मैं इतनी सोबत शेख लिया तो जब तक मैं रहा उनकी सोबत में मैंने अपने सर को ऊपर ही नहीं किया निगाह का मिलना गया मैं सर को ऊपर ही नहीं किया हुआ क्या कि मेरी हड्डी जो है ये पीछे निकलाई बाहर देखिए आज मुकाम की कितनी बुलंद है ये कौन सी नमाज है ये क्या चीज है क्योंकि तजिलियात रुबानी होती है शेख के अंदर शेख को नहीं पूछ रहा शेख को नहीं देख रहा नहीं वो जो चीज हासिल करने गया है वो किस जात को अल्लाह को हासिल करने और कुर हासिल कर रहे हैं अपने शेख से वो वसीला है तो अगर वसीले की हमने इज्जत नहीं की खाना काबा की इज्जत नहीं की तो अल्लाह क्या मिलेगा खाना काबा तो एक वसीला है एक तजल्ली पड़ी उस पर हम कुर्बान हो जाते हैं उसको चूमते हैं सीनों से लगाते हैं करते हैं नहीं करते हाथ फेरते हैं तो कुछ भी नहीं है वो एक वसीला है तो हर वो वसीला जो अल्लाह तक पहुंच जाए वो इतना ही बादब होता है बोले सुभान अल्लाह फर्क क्या है फर्क क्या है खाना का तो बोलता भी नहीं शेख तो बोलता भी है माशाल्लाह आपको कुरान भी सुनाता है अब पैसे ना तो खाने का आप देख भी नहीं सकते और शेख के पास तो बगैर पैसे के पहुंच जाते हैं आप कोई टैक्स नहीं कोई कुछ नहीं जब चाहे दीदार करो जब चाहे पहुंचो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें ऑन टॉप मिल जाए हमसे पूछो हजारों हजारों मिल जाके शेख पास ज्यारत करते थे एक शिकर एक देखने के बाद तमाम थकन दूर हो जाती थी एक शिकर एक दो देखने के बाद वो क्या चीज देखते थे उसमें नूर था तजल्लियात थी कि जिस रब को हम तलाश करने जा रहे हैं वो वसीला मौजूद होता था वो वसीला मौजूद था फिर एक सवाल होता है कि फिर उसको देखते क्यों नहीं सुभान गर्दन हड्डी क्यों निकलाती हैं ये अदब कौन सा है कि आप गर्दन झुका बैठे और शिकल किस आंखों से देखे ना ये बेदबी है क्या यहाँ एक सबक दिया जाता है कि ये कोई बात हुई जिससे तू मोहब्बत करता उसका तस्वर तेरे दिल में नहीं आया अभी तक बोले सुभान उसके तस्वर कितना जमा हो दिल के अंदर कि जब गर्दन झुकाई देख लिया ये सब ये सूफियों की मंजिल बातें हैं तो इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ फतवा ना लगा देने मेरे उलमा कराम से डरता भी हूँ।
सूफी के मंजिल तो मैं आपको सूफियों का सबक दे रहा हूँ, अगर अल्लाह वाले बने तो भी एतराज कम करें, सीनों को खोलें। तो किसी ने सवाल किया, हजरत हम आप देख, हजरत को देख भी नहीं सकते, आप पहचान नहीं सकते, तो है तो तजली सारी शेख के अंदर, आप देखेंगे कैसे? कमाल कर दिया, ये वो तजली है जो आंखों से नहीं देखी जाती, दिल से देखी जाती है। टाइम वेस्ट करेगा उसकी चेहरे की तरफ देखेगा, जब इंसान तसव्वुर शेख मजबूत करता है तो क्या होता है, उस शेख से रूह से रूह मिल जाती है उसकी। अब आपके मैं कुछ आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, तसव्वुर शेख कितना जरूरी है इस पॉइंट में। ये कौन कह रहे हैं? मुजद्दद जो तसव्वुफ थे, हजरत मुजद्दद साहिब, हजरत अशरफ थानवी रहमतुल्लाह की बात कर रहा हूं, कि तसव्वुर शेख इतना अहम है, इतना अहम है कि जिस वक्त तसव्वुर शेख जैसे जैसे मजबूत होता है, उसी कदर शेख के साथ उसकी रूह मुनासिबत पकड़ना शुरू कर देती है, और जब रूह मुनासिबत पकड़ती है तो क्या होता है कि जो कुछ तजलियात उस शेख के अंदर आ रही हैं तो रूह उसकी भी जज्ब करती शुरू हो जाती है। ये तरीका है अल्लाह को पाने का दोस्तों, बैत होते हो जब किसी के पास जाते हैं तो इस यही है, वहां पर यही काम होता है। वहां आप नवाज सीख नहीं जा रहे, फकी मसायल सीख नहीं जा रहे, जो कुर्बानी के मसायल सीख नहीं, हज के मसायल सीख नहीं जा रहे, उसके लिए तो उलमा-ए-किराम मौजूद हैं, दर्स मौजूद हैं, आपके मदारिस मौजूद हैं, वहां उससे आगे हम जा रहे हैं कि जो हम सीख रहे हैं दारुल उलूम के अंदर किताबों में, वहां जाके हम उसको वैसे ही अमल करें जो उसका हक है। उसके लिए इतना तसव्वुर चाहिए आपको, सिलसिला वही है, याद रखिए शरीयत से तरीकत में जा रहे हैं आप, इलम से अमल की तरफ जा रहे हैं आप, बंद नहीं हुआ, जुड़े हैं एक दूसरे की चीजें। हम क्या करते हैं, इलम के बाद रुक जाते हैं, नहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, उसमें इख्तफा हो जाते हैं, तो क्या होता है, मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते। इस तक पहली सीढ़ी चढ़े हैं आप, अगली सीढ़ी तो रह गई आपकी, जहां से अल्लाह के साथ आपने ताल्लुक पैदा करने, कि जो सीखे हैं अपनी चीजें उस पर अमल कर दें। पहले जमाने तो इल्म लोग सीखते भी इसी वजह से थे, बोले सुभान अल्लाह, पहले जवान जाते थे लोग मदरसों में, वो सीखने यही जाते थे, किसी की नीयत इसके खिलाफ नहीं होती थी। हर आलिम जब मदारस में दाखिल होता था, मदरसों में जाता था, उसकी पहली नीयत ही होती थी कि मैं इल्म हासिल करूं, ताकि इल्म हासिल करके मुझ पर आसानी हो जाए, अमल करके अल्लाह को पा सकूं, क्योंकि गलती मुझसे ना हो जाए अल्लाह के पाने के अंदर। तो फौरन भागते थे, जैसे ही इलम से फारिग हुए फौरन भागते थे खानकाहों की तरफ, अल्लाह वालों को तलाश करते थे, फौरन अल्लाह वालों को तलाश करते थे। अब्दुल कादिर जिन्होंने रहमतुल्लाह कौल है कि 10 साल तक इलम हासिल करने के बाद मिंबर की तरफ शक्ल उठा के भी ना देखे, 10 साल तक कहते हैं, जब तक 10 साल तक तेरा तस्किया ना हो जाए तो मिंबर की तरफ तसव्वुर भी ना कर, तू बैठ के वहां तकीर करेगा, ना फसाद पैदा कर देगा उम्मत में, उम्मत में फसाद पैदा हो जाएगा कि बगैर तस्किया के जब तुमने तकीरें शुरू की और लोगों को बुलाना शुरू किया तो फसाद पैदा शुरू हो जाएगा, उम्मत में फसाद शुरू हो जाएगा। तब से खानकाहें डाउन हुई हैं हमारी, तस्किया का मसला खत्म हो गया है, लोगों में ये शऊर खत्म हो गया है, इसको एक्स्ट्रा जॉब समझ लिए, शॉर्टकट में आ गए। अब तो इलम भी यही है कि पहले 8 साल था, 6 साल था, 3 साल, तो 2 साल के कोर्स हो जाता, मैंने कहा इसके भी कम करो जी, इतना जमाना आ गया है। अंदाजा लगे आप खुद सोच रहे हैं कि जिस इलम का ये हाल है तो आगे तरीकत का क्या हाल होगा, आगे तक आप काम कैसे लेंगे? फिर कहते हैं रब मिलता कोई इंसान हो, रब तो नहीं मिलता, पेट मिल जाता है और कुछ इसके हम पुजारी हो गए। तो मुक्कल कैसे मिल सकते? हाँ, भाई अजीज उस्तामी की बात बता रहा था, अल्लाह वाले थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे, तो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, अजीब एक उन्होंने बात की है, कहते हैं कि 200 साल के बाद जिसको जो मुकाम मिलता है, अल्लाह ने मुझे इब्तिदा में वो मुकाम दे दिया था। अगले एक शेख हैं इसके बाद हमारे सिलसिले के, शेख खुरका बू हसन जिनका नाम है, पढ़ते हैं ना सजरे में शेख खुरका, उन्होंने किससे फैसला हासिल किया? बाजी बसामी से,
उनके शेख हैं। सीधा पढ़ा करें मियाँ, इस रास्ते को सीरियस लें, क्यों जिंदगी जाया कर रहे हैं आप? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको बहुत सीरियस लेके चलना पड़ता है। ये अल्लाह का कुर्ब तरफ जा रहा है, गाड़ी बहुत जबरदस्त है, इस पर अजीब उसकी मेहनत करनी पड़ती है, और इसकी मेहनत में बड़ा लुत्फ आता है इंसान को। याद रखिए, लज्जत बननी शुरू होती है जब आदमी इस काम को सही सीरियस होकर शुरू करता है ना करना, उसमें उसमें इतना महब हो जाता है वो आदमी कि लुत्फ आने शुरू होते हैं उसको उससे। ये तकलीफ वाला रास्ता नहीं है, इसमें तो तकलीफें लोगों को लग जाती हैं, लेकिन उन तकलीफों में उसको मजा आ रहा होता है। लोग तो हाय 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 करते हैं, तुझे क्या पता हाय हाय करते हो, मुझे क्या लुत्फ आ रहा है इसके अंदर। ये महबूब है, जब महबूब जाग जाती है अल्लाह से, इतनी कोशिश तो उसे वो कर सकता है जब कोई महबूब हो उसका, आशिक हो, जिसका वो आशिक हो जाए। आशिक के लिए तो जब करता है तो उसको हर चीज आसान लगती है और मजेदार लगती है उसको। तभी तो माँ के अंदर इतना इश्क दिया है बच्चे का, उसका पेशाब पखाने में उसको बदबू नहीं आती है। आपके पेशाब पखाने से आपकी माँ को बदबू नहीं आएगी कभी भी, यदि कोई नहीं सूंघ के देखते हैं नेपी खराब हुई है नहीं हुई है, उसको सूंघ रहे है या नहीं, आप देखे सूंघते पक्का मैं हैरान होता हूँ, बच्चों को पकड़ा नहीं अभी नेपी खराब नहीं, ऐसे कुछ परफ्यूम सूंघ रहे ना आदमी, पखाना है मोहब्बत ने उस पखाने को भी परफ्यूम बना दिया, बताएं आप। तो जो एक बच्चे की मोहब्बत में पखाना सूंघ रही है तो अल्लाह की मोहब्बत में इसको मजा नहीं आएगा, तो कितने बर्दाश्त करते हैं? मोहब्बत हो तो आए ना, बड़े हम आगे लगो ये पसंद है मैं किसे छोड़ दूं, वो जूते पड़ेंगे फला ये गया, कहता कमाल करता है, मजा तो उसी में आता है कि मैं अल्लाह के लिए कुछ काम करूं तो मुझे पड़े ताने, मुझे पड़े जूते, सुभान अल्लाह, इससे बड़े और क्या बात होगी जो लुत्फ आएगा सब। वो और तलाश करेगा ऐसी चीजों को और साइड पर जाएगा। बात हो रही थी किस चीज की दोस्तों? तवक्कल, तवक्कल नहीं तो कुछ भी नहीं। तवक्कल वाला कभी परेशान नहीं होता, ना रिज़्क होता है ना किसी और चीज से, तवक्कल क्योंकि है अल्लाह, मुझे क्या तो मुझे जरूरत नहीं किसी चीज की, मेरी हाजत को जानते हैं, मेरी परेशानी होता है सब कुछ जानता है, बस मैं तो उसके काम पे लगा हूं, मैं उसके काम को ना छोड़ें, बाकी सब कुछ उसके जिम्मे है, जब दे चाहे जैसा दे, रुकी दे सुखी दे, मुझे अपनी ख्वाहिशात रखे नहीं इसमें कि मेरा दिल करता है जी आज मैं बहुत बेहतरीन डिश खाऊं, फला खाऊं, ये कर जाऊं, जितना मेरा दिल करता है। अल्लाह कहता है मेरी पसंद ये है कि आज मैं जो खालिस तड़के वाली दाल खिलाऊं, किस मजा आएगा सही बताए, आशिक को किस मजा आएगा? दाल में मजा आएगा, क्यों? किसमें मेरा मेरे महबूब का हाथ लगा है इसे। कैसी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवियों अज़वाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोहब्बत का अंदाज देखें आप, कितना नेचर था। पूछते आयशा तुमने पानी कहां से पिए, बोले सुभान अल्लाह, महबूब की महबूबा थी वो, प्यार करते थे आप उनसे, कितना आयशा बता इजहार देखें प्यार का, आशिक कैसे बनता है, तो अल्लाह से क्या प्यार होगा मुझे बताए, कैसे बता तूने पानी कहां से पिया है। अब ऐसी प्राइवेट बातें बाहर क्यों निकल रही नहीं बख, इसलिए कि उम्मत को सबक दिया जा रहा है कि प्यार सीखो, मोहब्बत, हर काम मोहब्बत से बनता है। क्यों पूछा? कि जहां से तूने पानी पिया दिल करता है मैं भी वहां से पानी पीऊं, मेरी भगवान पानी, ये इश्क है, इश्क तो दीवाना करता है ना आदमी, होश अक्ल से नहीं चलता आदमी पे, इश्क चलता है, इश्क हो अल्लाह का और अल्लाह का हुक्म आ रहा हो और हम उसको करें ना, कौन सा सीधा, कैसा सीधा, कैसी नमाज, कैसा गुलाम, मुझे बताया कितने दी गल, सब बेकार हो जाता है इंसान, ये ड्रामा बन जाता है। इश्क का सीधा तो कुछ और होता है दोस्त, मायूसी उसमें इधर लाता हूं आप फकीर थे कि चल पड़े एक दफा सफर के लिए, इतना ही लोग नहीं जाकर तो गए थे, गांव से गुजरे थे, वहां एक मस्जिद थी, तो चलो ठीक है मस्जिद मुझे पसंद आई, एक महीने के इतकाफी करता हूँ यहाँ बैठकर, फकीरों का अपना तर्ज होता है कि चलो आज फला यहाँ उधर चलते हैं या आज उसी जगह चलते हैं वहीं बैठेंगे यहाँ,
जहां उड़ रहा है कोई प्रोग्राम नहीं, कोई चीज नहीं, कोई ओलिया नहीं, बिस्तर उठाए चल पड़ते हैं, आंसू पीछे पीछे चलते हैं फिर उसके, चलो किधर ये तो मजे, चलो मजे लगेंगे, मजे लगते हैं फिर। तुमने अपना बिस्तर उठाया, बैग उठा के चल पड़े, मस्जिद देखी क्या ये मस्जिद अच्छी भी, चलो अल्लाह वालों के हर काम में इसलाह होती है, हो सकता है लोगों को इसलाह करनी, उन्होंने बहुत किस तरीके क्या अंदाज है उनका चलने का, बेमकसद तो जाने नहीं होता, हर कदम उठता है तो यार की मर्जी से उठता है, जिथे रब ले जाए चल पाओ बस, मस्जिद में गया रख दिया अपना छोटा सू तो बैग सब बैठ गए, कौन आदमी आएगी दरवेश साहब, हमको बड़ी फिक्र लगी, सबसे पहले तो मौलवी साहब आए, जी आप कहाँ से शिफ्ट देखिए, मैं तो मुसाफिर हूँ। अच्छा मुसाफिर है, कोई बंदोबस्त है जी आपका, हो जाएगा इशारा किया चल पड़े, असल भी दो तीन आदमी बीच तो इतने गए नहीं आदमी, कितनी इस्लाम आपको नहीं, मैं तो मुसाफिर, वो खाने पीने का बंदोबस्त आप है कुछ कर देंगे, कोई हो जाएगा, ये तो असर फिर को आदमी आ गया दौर के बाद, हम देखे तो हिल ही नहीं रहा आदमी, भाई तो कहा तो क्या करें इसके, उन्होंने पूछा कि जी आप ठहरेंगे क्या यहाँ पर, कितने वो ठहरना है आपने, बात पूछे ना मेहमानों से, जी आप सुबह का नाश्ता भी करेंगे क्या, माने वो पूछते कि सुबह का नाश्ता आप क्या करेंगे, यानी ये देखने की आप सुबह टिकेगा या भाग जाएगा, तो फिर वो मुस्कुराए कहता जी हाँ मैं तो यही हूँ, मगरी विशाख फिर आ गए लोग, क्या जी मैं तो एहतिकाफ में आप हैं, अच्छा कोई इंतजाम है आपका, हमको बड़ा फिक्र किया ये पेट है हमारा, साथ ही मस्जिदों की ऐसी थोड़ी थी ढकी होती थी जमाने में, छोटी इतनी इतनी दीवार होती तो सब मकान होते देख रहे थे, यहूदी था सामने देख रहा तमाशा मुसलमानों का, आज भी देखते हैं तमाशा हमारा, ये समझने हाल ऐसी है, ऐसे मस्जिद में बैठे हैं खैर देख रहे हैं हमारे, हम मस्जिद में हाल कर रहे हैं मुसाफिरों के साथ, वो देख रहा सामने, तो उसमें नूर था बाजिद बस्तानी जैसे हस्ती हो, उसने इतना ग्रेट आदमी है कैसे बेवकूफ लोग, उस छलांग मार के टूटी गिर गई, ये दो वक्त की रोटी का मैंने आपका इंतजाम किया है, कहूँ के सामने जाता हूँ मैं यहूदी, ठीक है ले आओ अपने कुछ, वो गुदड़ी थी गुदड़ी कहता है उसे निकाल के पैसे देने लगे, पकड़ पैसे तक मैं रहूँगा, अरे वो तो यहूदी से टिका लिए पैसे, लिंक उसने ऑफर की कि भाई मैं दो वक्त की खाने का इंतजाम मेरा है आपके पास, अब जब सुबह हुई तो वो तो बेचारे नाश्ता करके नहीं आए होंगे, उनका तो गर्म गर्म खाना आया तो बाजी बस्तानी का, तो फंसे से पहले शाम को फिर खाना आया हुआ था, तो ये कहाँ से इंतजाम हो रहा है, नजदीकियत है जब गए किसी के पास, बीवी मरियम से मिलेंगे ना कि ये कहाँ से आ गया, खाना तेरे पास कहाँ से आ गया, अल्लाह सुभान वो नबी है, देख वो ये तेरे पास खाना कहाँ से मैदान में उतर रहे, कुछ तुझे देर नहीं वाला, पढ़ते ना सूरह इमरान पढ़े ना, तो उन्हें क्या जवाब दिया है कि चाचा जान जी रिश्तेदार तो थे उनका, तो अल्लाह भेजते तो खा रही हूं मैं सुभान अल्लाह, तो वक्ल देखे नहीं उनका, तो उन्होंने क्या काम किया, घोड़े थे अपना हबल उन्होंने फौरन दुआ मांग शुक्र दिया, हबल मिल्ला उनका सूर्य था उनके अल्लाह ताला इतना कमाल है कि मरीज को खाना मिल रहा तो तू ऐसा कर मुझे बचा ही दे दे फिर तुम सुभान अल्लाह, देखे तो वक्ल देखे, तुमने क्या देखो खाना, वो बड़े हैरान हो कि ये खाना कहाँ से आ रहा है, उनके इसी खाने की वजह से था जिससे तुम लोग घबराए हुए थे, मुझे रब पे तवक्कल था, अब तुम एक काम करो जरा क्या कि सब कलमा पढ़ो दोबारा, मौलवी साहब को बुलाओ नमाज भी दोहराए अपनी, क्यों कि जो अब तक तुम करते रहे हो तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कल नहीं था तो क्या तुम्हारी नमाज होगी, क्या तुम्हारी तलावत होगी, मैं भी धरा रहा हूँ नमाज आपके पीछे पड़ी है, तुम भी धराओ बल्कि कलमा पढ़ के ईमान दोबारा लेकर आओ, भाई नजदीक के नजदीक ईमान वाला ये ईमान नहीं है, क्यों
कि अगर ईमान होता तो बगैर गैर ईमान वाला तुमसे आगे बढ़ गया है। अगर तुम्हारे में ईमान होता हो सकता है कि वो तुमसे आगे बढ़ जाता। वादे तो तुमसे अल्लाह पाक ने किए हैं, जन्नत तो तुम्हारी बनाई हुई है, मस्जिद तो तुमने बनाई है जन्नत में जाने के लिए, अजाने तो तुम देते हो लोगों को बुलाने के लिए, और काम तो वो कर रहा है असल। तो पता चलता है कि हमें अगर ईमान होता, वाकई हमने मस्जिद इसलिए बनाई होती, कुरान इसलिए पढ़ा होता, तो हम दर बदर ना होते फिरते, बल्कि क्या है तवक्कुल अल्लाह पे करके हम अल्लाह पे छोड़ते अपने अरबात, नमाज ना छोड़ते अल्लाह किस चीज के लिए, कारोबार में नोट ना खड़े गिनते उस चीज के लिए। पहले शर्त ही होती कि जी हमें यह नौकरी दे रहे तो सबसे पहले हम नमाज पढ़ेंगे, आप किसी शाम की इब्तदा करेंगे तो सबसे पहले इब्तदाई होगी कि या अल्लाह तेरे तवक्कुल पे ये काम कर रहा हूं मैं, वरना मैं कभी यह काम ना करता। अल्लाह ही जिसने अल्लाह के तवक्कुल की नियत से काम शुरू किया वो कभी उसका काम रुक ही नहीं सकता। मैं जब यहां आया अकेला आदमी था, सबक हजरत से सीखा था सारा, क्यों ये तवक्कुल मिलता कहां से, मैं बताऊं आपको, ना किताबों से मिलेगा आपको, ना दारुलूम में मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां से, मिलेगा किसी अल्लाह वाले के सोबत से मिलता है, तो वो हम लेते नहीं, लेते नहीं। तो मैं जब हजरत की सोबत से वापस आया तो सबक की ये सीख के आए थे कि तवक्कुल करना है। हजरत का हुक्म था कि खबरदार गैर शरी काम नहीं करना, हाथ से कमाना है, मुझे अनाउंसमेंट पे नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला दिखा रहा है। सबसे पहले क्या बताता है बच्चे को, मुझे क्या सिखाया है, सबसे पहले क्या सिखाया है आपको, क्या सिखाया है, तवक्कुल सिखाया है कि तू तवक्कुल करेगा, मां जिससे तुझे दूध पिलाती है इस समय तुझे रिज़्क़ अता करूंगा। बच्चे को मैं तुझे रिज़्क़ अता करूंगा, छोड़ना ना इस तवक्कुल को अपने रब के साथ, मजबूत है कायम रखना इस तवक्कुल, मजबूत किया अल्लाह ताला ने। जिस दिन तवक्कुल छोड़ोगे तो तुम जलील हो जाओगे, दर बदर हो जाओगे। जब कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो किससे शुरू करो, तवक्कुल से अल्लाह से शुरू करो। अल्लाह हजरत ने हुक्म फरमाया था मुझे कि जाओ दिन का काम करो। अब दिन के काम कैसे करें, चिंता मांगो खड़े हो गए तो मस्जिद बनती है चिंता के बगैर, भैया मदरसा बनता है चिंता के बगैर, सब चीज जायज है, हम तो करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फकीर क्या कहता है कि जो काम शुरू करो तो तवक्कल से शुरू करना। चार खान कहें चल रही हैं आज इसकी हजरत के नाम पर, मैं खैर पैसे का तो मुझे पता नहीं कितना होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कभी आज तक हिसाब सुना नहीं कि भाई किसी चीज की कमी किसी खानकाह में होगी। मदरसे भी हैं, खानकाह भी हैं, सब भी हैं, ये कैसे बन गए। तो फकीर का एक सबक था कि अल्लाह की राह में जब भी कोई काम शुरू करो, जब भी कोई काम शुरू तो सबसे पहले किसको आगे रखो, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के तवक्कल पे। तो हम सबसे पहले करते हैं दुनिया को आगे रखे, यार ये कैसे होगा, या इसको ऐसे कैसे करेंगे, या अपना चीज कैसे लगेगी, या कैसे लगेगी। तो अल्लाह कहता है जा फिर लगाता रहे, तो तूने अपना सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया तो मैं फारिग हूं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर तू मेरी कोर्ट में डालता ना तो फिर तुझे मैं फारिग करता, सब कुछ मैं करता रहता। नहीं समझे बात, ये है तवक्कुल दोस्तों। एक कहां मिलता है, अल्लाह वालों के पास, अल्लाह वालों के पास। भाई अजीब स्थानी ने कहा कि भाई ईमान अपने सही करो, मैं तो काफी करूंगा यहां। तो ये है जरूरत इस चीज की हमारी, कभी अल्लाह महरूम नहीं होने देगा इंसान, कदम उठाओ दुनिया के अंदर तवक्कुल से। हजरत में एक दफा खत लिखा, मुक्तुबात में छपा हुई है सारी चीजें, मैं कहा तबीयत बेकरार है, आप किस वक्त आएंगे हज पर, मैं भी तैयारी बकनू हज पे आने के लिए, इजाजत चाहिए हजरत से, हम तो एक कदम भी हजरत के बगैर नहीं उठाते, उम्र चले जाए फला चले जाए। जब तक हजरत को राजी नहीं किया ना उमरा पे ना हज पे ना मदीना ना मक्का, मैं पता है कि जब तक वसीला नहीं होगा काम चलेगा हमारा। तो मैंने हजरत को लिखा कि मैं
बेकरार रहता था उसकी ज्यारत के लिए। हजरत क्या जवाब दिया, कहते फारूकी साहब आप जानते हैं ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मुझे तस्वीर खिंचानी आती है, ये हजरत का जवाब आ रहा है मुझे, और कोई सिलसिला मेरे पास नहीं है। आप कहते हैं कि मैं हज पे कैसे, कब आ रहे हैं आप हज पर, तो इंतजार जरूर कर लेना, सुभान अल्लाह, इंतजार जरूर कर लेना, वादा नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, ये जो मैंने बात की है बड़ी कितनी वार्निंग दिया, और शेख के मुंह से बात नहीं करती, वार्निंग होती है। कहते इस चीज का ख्याल रखना कि कहीं ये ना समझ बैठना, अब तभी तोरी है कि ये जो मैंने अपने हालात बताए तो आप मेरी मदद करें, मैं किसी की मदद नहीं लेता हूं। साफ तो कभी कोई हालात बता रहा है तो फौरन ये समझ लोगे यार तो पैसे मांग रहा है शायद शेख हमारे से। जैसे कभी कहते भी आप क्या जी, हाँ माशाल्लाह फला होने वाला जी, मेरा ऑपरेशन ये इतना फलां, पैसे के लिए कह रहा है, ये शैतान आता है इंसान के अंदर। हालांकि वो अपने हाल बता रहा है बेचारा, आप पूछने कोई हाल बता दिए उसने अपना। तो हजरत फौरन मुझे तंबी की कि ये ना समझ में बैठना कि क्या शैतान वसवसा मेरे दिल में डाल दे अपने शेख के खिलाफ, क्योंकि शेख के खिलाफ वसवसा आया नहीं और काम गायब, छुट्टी हो गई आदमी क्या फौरन फारी। क्या कहा कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, तैयारी नहीं लेंगे, ये भी ना समझ जाएंगे मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। फकीर का काम तो तवक्कल पे चलता है, और मुझे फला जगह पे तलाश कर लेना, सुभान अल्लाह। तवक्कल पे कितना तवक्कल कि मैंने अल्लाह से कह दिया, तवल्लव कर लिया तो अल्लाह रद्द नहीं करेगा, मां मुझे तलाश कर लेना, इंशाल्लाह मक्के में उस जगह पर रहूंगा, लेकिन है कुछ नहीं मेरे पास, काम तवक्कल पे चलता है मेरा। यही सबक मैं पहले दिया गया कि जिस वक्त आपको जरूरत है किसी चीज की, आवाज बता रहे आप सब, मेरे साथ ये हुआ था, पैदा हुए थे हमें क्या लग गया था, सबसे पहले भूख लगी थी ना, नहीं लगी थी, अब तक लग रही है भूख, मिट्टी नहीं हमारी भूख, तो भूख लगी थी ना, तो बच्चे ने क्या किया था, तवक्कल था अल्लाह पर, किया क्या था, रोया था, रोया था ना, उसका रोना जिक्र अल्लाह था, वो यानी रुजू अल्लाह किया था उसने, उसने क्या किया था, रुजू अल्लाह किया, मेरा माने हिलना नहीं था, मैं तवक्कल पूरा रखता हूं अब तेरे, तूने इंतजाम मेरा पूरा किया है, लेकिन जिसको दिया उसको तो मैं उसको तो होशियार करूं, तो उसने चीख मारी, रोया, मुझे भूख लगी है, मैसेज पहुंचा मां को, तो उसने फौरन अपनी छाती में खोल देगा दूध की। यही अल्लाह कहता है कि जिस वक्त तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो तो क्या कर, रुजू अल्लाह कर मेरी तरफ, ये जिस वक्त दिया है, अल्लाह का जिक्र कर छु फौरन, जिक्र से तू मेरी तरफ आ, अपनी हाजात को पेश कर, देना फिर मेरा काम होगा। आप सुन तो आगे तवक्कल समझ में आगे, ये है तवक्कल। आज मुझे चीज की जरूरत पड़ गई, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फना चाहिए, डायरेक्ट उससे बारिश हो जाते हैं सबब की तरह, भूल जाते हैं सब चीजें, नहीं रुजू अल्लाह करें सबसे पहले, रात को उठे तहज्जुद पे अल्लाह का जिक्र करें, उससे मांगे अल्लाह ताला ये चीज मुझे चाहिए, इसकी मुझे जरूरत है, आप दीजिए, और फिर यकीन हजरत साहब वाला यकीन हो कि मुझे वहां तलाश कर लेना, सुभान अल्लाह। ये नहीं आता, पता देगा भी देगा नहीं देगा, पता मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या चलो हो आने देखे आने, चलो दुआ तो मंगन थी, चलो मिन्नत कर लेने हम दे दे यार, दुआ कर ले साथ में, और क्या है कि चलो यार फिर भी पता नहीं मिले ना मिले, चलो अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह भी इतना यकीन सुने जैसे अल्लाह ताला ने, वो तूने हाथ उठाए वो सुन रहा तेरी बात, और तुझे यकीन नहीं सुन रहे हो, हमें आज तक ये यकीन नहीं है कि हम जब जिक्र करते हैं अल्लाह का तो अल्लाह भी हमारे तब रहमतें भेजते हैं, ये यकीन नहीं आया था, बस करूँ या स्क्रू ने अल्लाह रखा है कि जब तू मेरा जिक्र करता है तो मैं तुझे याद करता हूं, इससे बड़ा जिक्र का कोई इनाम है ही नहीं कि जिसके जिससे आप रब को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लें, अपने रब को कायनात के मालिक को खालिक को एक सेकंड में आप मुतवज्जा कर लेते हैं अपनी तरफ। किसी ने पूछा ना भाई अल्लाह के बारे में,
ताल्लुक तो मैं जानता हूँ, कितना जानता है? कहता वो तो मुझे फारूक मेरा ताल्लुक उससे, वो तो मुझे फारूक में तब मतलब जो होता है तो कसम देता है उसमें खुद का, इससे मुझे पता है कि मैं जब जिक्र करता हूँ तो मेरे तरफ मतलब जो है ना, हम कहते जिक्र करो अब ये नहीं पता वैसी बात। अब इतनी बड़ी अगर हम इस पर सोच रख रहे हैं कि मैं जिक्र कर रहा हूं और कुरान का कुरान ने वाजा तौर पर यह बात कर दी है कि जब तुम जिक्र करते हो तो जिस वक्त भी मेरा जिक्र करेगा उसी वक्त मैं तुझे याद कर रहा हूं मेरी रहमत आली। तो जब हाजत हो फौरन जिक्र करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमत मुतवज्जा होगी, फौरन उसको कहो मुझे ये चीज चाहिए, सेकंड लगता है उसके बाद तवक्कल कर लो अल्लाह पे, ये चीज मैंने मांग ली है अब देना काम उसका जब चाहे दे दे, लेकिन मैं दरख्वास्त पेश कर दी है, कदम उठा बस बस तवक्कल का यकीन है। पता कब चलेगा कि उस चीज के लिए जिसका आप डिमांड कर रहे थे उसकी उसकी अहकाम को आप नहीं तोड़ेंगे कि या छोड़ो क्या करना, नमाज छोड़ दो या आपको फिर जिस चीज मुझे मिलेगी नहीं फलाने इसमें कमी आ जाएगी उसमें, नहीं फिर क्या है कि पहले रब के अहकाम होंगे कि मैं अल्लाह से कह चुका हूं वो देगा मुझे, लेकिन उसने जो मुझे हुक्म दिया जिन चीजों का वो खत्म नहीं होगा मेरी किताब से, जैसे नमाज सुन गई वैसे ही नमाज पढ़ूंगा, जैसे उसने मुझे हुक्म दिए हर चीज हराम को हराम को इसी तरह फ्राइज में समता से लगा उससे दरगू मैं नहीं हूं। समझ आ रहा है भाई आपको सूफीज्म? बात समझ ही में नहीं आई इसमें है ये है, इसलिए अल्लाह वालों के पास जाया जाता है, ये सबक मिलते हैं वहां से इस तरीके से जिक्र करते हैं अल्लाह से अल्लाह का और जिक्र के साथ जो तवक्कल मिलते हैं उसको उन्होंने किया, ये बच्चे ने क्या किया कि सबसे हमारे उसने पहले क्या किया जिक्र किया, उसका उन्होंने जिक्र था रुजू अल्लाह हुआ, जिस चीज से भी अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे वो जिक्र बनता है ना इंसान का, तो वो सब क्या कर सकता था जिक्र था उसका रोना, उसने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने फौरन उसकी माँ को भेजा जाओ भूख लगी है जाओ उसको दूध पिला, उसी ने खुल के सामने आ गया दूध पिलाई जा रही है उसको, बोल रहा है दूध उसका, ऐसी अल्लाह तला कहता है तुझे हाजत है किसी चीज की इतने भाग पीता है जब से मांगू तो कल कर उस पर मिलेगा मुझे, जिसको तवक्कल नहीं तो उसका ईमान ही फिर देख लें आप कैसे हो गए सब मान ही सकते। इसलिए हमारी नमाजें ख़त्म होती हैं, अल्लाह का दीन ख़त्म होता है, सुनतें ख़त्म होती हैं, सुनतों से भागते हैं, कुरान बाहकमा से भागते हैं कि हमारे में तवक्कल नहीं है, और फिर इबादत करने के बाद अल्लाह पे एहसान जताते हैं कि हमने ये किया अभी तक हमें ये मिल ही नहीं था, हमने फलां किया अभी तक ये नहीं हो रहा, हमें फलां किया ये, हमारी नमाजें सारी इसलिए होती हैं, सब आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी किस चीज़ से, उस रब पे तवक्कल, ऐसा तवक्कल क्या वजह है कि तवक्कल आपको यह एहसास दिलाता है, सुने एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, तवक्कल आपको 100% से भी 200% आपको एक एहसास दिला रहा है क्या कि मेरा रब मेरे साथ है, आप आपको अपने रब पर यकीन है ये बता रहे हैं, इसलिए तवक्कल पसंद करता अल्लाह ताला, इसको यकीन है कि इसका भी रब है, अगर यकीन हो ना होता तो मुझसे मांगता क्यों, मुझसे भरोसा क्यों करता, देखिए से भरोसा कर लिया बगैर देखे भरोसा कर लिया तो इसको 100% यकीन होगा कि मेरा कोई रब है सुभान, और यही वो चाहता है, यही वो चाहता है कि बगैर गैब के तुम मुझे मानोगे मैं तुम्हारा रब हूं। इसमें जो वसावस हैं शैतान हैं जो सब कुछ है उससे फाइट करना पड़ेगा ना अपने यकीन को बुलंद करने के लिए, जो ठुस हो गया शैतान उसमें फुशू हो गया फजूल बातों के अंदर वो तो खत्म, उसमें कहते वो कल बेचारा आएगा तो रुल गया ना गेंद बन गई ना, वो तो कभी मस्जिद में गाली दे रहा है कि उसको बुरा कह रहा है, कभी नमाज को बुरा कह रहा है, हर इबादत उसको बुरी लग रही है फिर क्योंकि उसका मकसद नहीं पैदा हो रहा, उसको कुछ चीजें मिल नहीं रही तो उसी इबादत को बुरा कहना शुरू कर देता है वो, इसी भी गलत है, इसमें मजा नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसका फायदा कुछ नहीं है, या बेकार है या ये काम भी बेकार है, वो सब चीज बेकार नजर आना शुरू हो जाती है उसको, रबी ने उसके पास सामने है ही नहीं, रब उसको क्या नजर आएगा बेचारे। पहला सबक अल्लाह ताला दिया है ये तवक्कल करो, तवक्कल किस तरह अल्लाह के जिक्र के साथ करो, इब्रानी की हदीस है जिक्र क्या चीज है, सुभान अल्लाह, जब इंसान जिक्र करते हैं ना अल्लाह ताला का दोस्त, जैसे अभी हम जिक्र करेंगे या कोई शेख ने आपको जिक्र बताया उसी मोहब्बत कौन सी मोहब्बत के साथ, इब्रानी की हदीस बता रहा हूं उसके मफहूम हदीस का,
किसी मोहब्बत के साथ हो, सुभानअल्लाह। इज्जत है मेरा, ये अल्लाह के अंदर अंदर से जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये चीजें अंदर पैदा हो कि तेरी इज्जत के मुकाबले सारी सारी दुनिया की चीज जलील है मौला, तेरी इज्जत के आगे सब चीजें जलील हैं, तेरी बादशाहत के आगे सब चीज अदना है, कोई बादशाह है ही नहीं तेरे मुकाबले में किसी की बादशाह। सुभानअल्लाह, तेरी कुदरत के आगे सब चीज डाउन है, नीचे है, सब ताबे हैं तेरे। इस एहसास के साथ इंसान अल्लाह को याद करता है कि असमत पे अल्लाह की छाई हो और चीज के दिल के अंदर वजूद में चीज अल्लाह की हो कि हिकमत तेरी, इज्जत तेरी, कुदरत तेरी, सब कुछ तेरे, इसके आगे कोई चीज है ही नहीं मेरे मौला, तू ही रब है, मैं तुझे याद करो, फिर क्या अल्लाह अल्लाह, और फिर अल्लाह की जर्ब लगा रहे दिल के साथ बैठकर। तो हदीस में आता है कि ऐसे जिक्र के साथ अल्लाह क्या करता है कि फौरन 1000 दर्जात उसके एकदम बुलंद करता है आसमान के थ्रू, 1000 दर्जात हर जिक्र पे। ये नहीं बस वैसे बैठ गए जिक्र, ये एहसास हो कि जिस रब को याद कर रहे हैं उसकी इज्जत के हम सब इज्जतें जलील, उसकी बादशाह के सब बादशाह हकीर, उसकी कुदरत के आगे कोई भी नहीं नीचे, सब खत्म। इतना इतना अजमत सीने के अंदर हो उस रब की जिसको तुम याद कर रहे हो, इतनी कदर और मस्ती हो उस रब की, फिर वो ना माने अल्लाह ताला ऐसे रब का जिसके दिल में इतनी कदर होगी, अल्लाह तय उसको कि तू मेरे महबूब की नकल करे, वो ना नकल करे मुझे बताए, हो सकता है कभी कभी हो सकता है? खुद ही अपना आप तस्दीक कर लेंगे हम कितने फ्रॉडी हैं, कितने झूठे हैं, कितने मुनाफिक हैं, क्या करते हैं हम, कौन सा दीन हमारे पास है, तस्दीक करें कि जब ये कैफियत हो अल्लाह की, इतनी इज्जत आ जाए दिल के अंदर, इतनी कदर आ जाए, इतनी असमत आ जाए, इतनी बादशाहत आ जाए, तो फिर किसी का हुक्म चलेगा हमारे ऊपर कि हाँ अल्लाह के हुक्म मानते हुए हम शर्माएंगे कि नबी हम सुनो तो अदा करने से हम शर्माएंगे? इस कैफियत के हिसाब से जिक्र करता है तो कहता है हर जिक्र पे उसके 1000 दर्जों को बुलंद करता हूं, 70,000 मलाइक उसी वक्त मुकर्रर करता हूं जो क्यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। ये इब्रानी की हदीसें पढ़ रहे, मैं तो ऐसी हदीसें पढ़ता हूं, आप कितने आप कौन सी पढ़ते हैं? ये है अल्लाह का जिक्र, कैफियत उतर जाए इंसान में जिस सबको याद करें, कितनी बुलंदी की किस 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 हस्ती को उसके साथ को याद किया जा रहा है, बैठ के झुका हूं अल्लाह को याद कर, जिसको कहते हैं पीरी मुरीदी, ऐसे मुरीद बने। पूछ भी आएंगे जिक्र, आएंगे जी आएंगे, सुस्ती हो रही है वो कब से कर रहे हैं, 15-20 साल हो, सुस्ती ही नहीं उतरी है अभी तक, या कैफियत, अब क्या कैफियत होगी अल्लाह ताला के उन्हें बताया, कोई नाजमत है ना इज्जत है ना कुदरत है, कुछ भी दिल में नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस रब को याद करने जा रहा है आदमी, उस मजमे में जा रहा है जिसके भी तो अल्लाह इतना बड़ा नाम दिया मजमे का, कि जब इंसान बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है तो चारों तरफ से फरिश्ते उसको घेर लेते हैं, क्योंकि उसने अजमात है, उसने एतराफ असमत किया मेरा, एतराफ कुदरत किया उसने मेरा, एतराफ मुल्कियत किया है, बादशाहत किया उसने, कहते सब हेच हैं, ये एतराफ कर रहा है बैठ के, यही तो जिक्र है, यही तो जिक्र है, एतराफ कर रहा है, छोड़ के सब कुछ आता है कि आओ बैठ के सब मिलके एतराफ करते हैं अल्लाह की रबूबियत पर बैठ के, उसको पुकारते हैं, दैट्स जिक्र, इसका नाम जिक्र है। ये कैफियत नहीं है आप मारे जा रहे हैं उल्टी सीधी, उसमें क्या देगा आप, इस कैफियत के साथ जिक्र गए, कहते हैं 1000 फरिश्ते में उकर करता हूं, 70,000 फरिश्ते जो उसके लिए क़यामत तक इस्तग़फ़ार करें, इंसान फिर गुनाह तो होते हैं इंसान से छोटे मोटे सफाई होती चली जाती है, तो उसने मुझे याद किया, जब एक जिक्र पे ये नाम मिलता है तो जिनके मामूल ही हो जाए कि हर वक्त अल्लाह को याद करना है, मुझे बताएं क्या हाल होगा उसका। तो मेरे भाई आज जहन में थोड़ी सी एक बात आई थी तवक्कल पर, सोचा मैंने आज क्या बात करूं, अल्लाह दुआ अल्लाह ताला की ऐसी चीज बता जो बहुत ही मजेदार हो, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह बच्चों पैदाइश याद करा दी कि देख पैदा हुआ था तुमने पहला काम क्या किया था,
अजीब अजीब मजमून है आप ये देंगे, अजीब मजमून के पैदा हुआ मैं तो क्या कहा, सबसे पहले अल्लाह ने मुझे तवक्कुल सिखाया था और तेरे रिजक का इंतजाम मैंने किया, तूने तवक्कुल किया मैंने रिजक दे दिया, तो क्या जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो मैं तुझे रिजक नहीं दूंगा, जब तू इस काम में हो जाएगा तू काम नहीं कर सकेगा कुछ नहीं करेगा क्या तुम्हें और फेरूंगा। अल्लाह तो बच्चे को इतना रिजक दे रहा है, पता है आप सुने आप, अब एक पॉइंट दे रहा हूं आपको कि पैदा होती अल्लाह यहां तो यहां के बच्चों की बात कर रहा हूं, वही बात होगी ना कि यहूदी खाना ले आया था मुसलमानों को खाना नहीं दिया, वही बिल्कुल वही बात हो रही है आजकल कि मुसलमानों को यहां चीज नहीं मिलती लेकिन यहां गैरों के पास हमें क्या चीज मिल रही है कि बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं इंतजाम देखो यहां ये कैसे होता है कि दूध तो मां देती देती है लेकिन तो साथ अलाउंस भी तुम्हें दे देता हूं मैं बच्चों को, मिलते ना बच्चों को अलाउंस गैर दे रहे हैं आप, किसी मुझे मुस्लिम ममालिक में दिखा दें किसी बच्चे के बारे में आपको अनाउंस दिया जाना है तो फिक्र की जाए इस बच्चे को पैदाइश है कोई, हमें करना चाहिए इन लोगों को करना चाहिए, वही मैं बताया यहूदी ने खाना खिला दिया बाजी बस्तानी को इन्होंने दिया, हम याद है बच्चा पैदा होते तो उसे अनाउंस लग जाता है, और हमारा काम क्या है उस अनाउंस में घर में झगड़े हो रहे हैं बीवी कहती है मेरा है हम कहते हैं तलाकें हो जाती हैं, उस अनाउंस के ऊपर बच्चे का हक है अल्लाह बच्चे को दे रहा है, हम कहते नहीं इसका खर्चा चलेगा, वो कहते नहीं फला ये होगा, तो ये हमारा हाल है, तब कल का अंदाजा लगे उस बच्चे का हक भी खा गया बेचारे का अपने लगा लिए और खुश होकर खाने पी रहे और अल्लाह ने तो दिया उस बच्चे को, इन लोगों से ये दिला रहा है ये नहीं ऐसी बात, वो माँ बाप उस पर लड़ रहे तलाक दे रहे हैं तू वो तो नहीं ले सकती ऐसे बच्चे से तू नहीं ले सकता, नहीं ये मेरा है मेरा हक बनता है, अच्छा मैं खर्चा नहीं दूंगा तो इस पर खर्चा चला, हालांकि चाहिए ये है उस बच्चे का जो पैसे आप उसे जमा कराते हैं उसके नाम पर उसकी चीजें खरीदें उसको दें जिसका हक है, किसी आप शरीर ये तो शरीर कानून है कि जिसको दिया जा रहा है उसी का हक बनता है, आप उसके माल खा गए उस पर तलाकें हो गई झगड़े हो गए, नहीं अल्लाह करीम है अल्लाह ने तो देखो इंतजाम कैसे किया है बच्चे के लिए उसका हक भी पहुंचा देते हैं, माँ के जरिए भी देते तवक्कल किया है उस तवक्कल पे गवर्नमेंट उसको पैसा देती है सुभान अल्लाह, ये भी तेरा पैसा और है जब तू बड़ा होगा तो उससे जा खिलौने भी खरीदना माल भी खरीदना, तू गरीब ही नहीं होगा स्कूल जाएगा तब भी गरीब नहीं होगा, तेरी पैकेट में जेब में पैसा होगा तूने रब पे तवक्कल किया था, माँ बाप खा उसका जवाब कौन देगा कि हम तो देना पड़ेगा, मेरे ख्याल तबक्के में और जाऊंगा तो बहुत सी चीज़ें हमारी और खुल जाएंगी, कहते हैं सब स्टाफ कर दो अपना काम में बहुत सी इसमें छुपी चीज़ें हमारी राज हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी, मेरे भाइयों जिंदगी इस्लाम पे गुजारने की बात है उसको सीखो इस्लाम को, दीन को सीखे ही नहीं अभी तक हमने, दीन हमने सीखा ही नहीं हकीकत, आप हर रोज़ देखें आप नया दीन का नुकता निकलता है हमारे पास जो हमारे पास नहीं होता है, अल्लाह पाक हम सबको मुतवक्कल बनाए अल्लाह पे तवक्कल करने वाला बनाए, सबसे पहले अल्लाह से गुजारे जब भी कोई काम शुरू करेंगे किधर जाएंगे बच्चे की तरह वो रोया था हम जिक्र करेंगे अल्लाह का रुजू अल्लाह करेंगे तहजीब के अल्लाह ये काम शुरू करने वाला हूँ तू ही कराएगा तू ही करने वाला है मैं कोई चीज़ नहीं पकड़ूंगा तवक्कल तेरा है बस, असबाब भी तू देगा सब कुछ तू करेगा, मांगूंगा नहीं किसे हाथ नहीं फैलाऊंगा सिवाय तेरे तेरे से मांगना है या और किसी मैं किसी किसी गुंजाइश मेरी मांगने की हाथ पकड़ा देखेंगे कैसे काम चलते हैं फिर फकीर होंगे, लेकिन हजरत साहब पे मैं गया ना हज पे हजरत साहब मुझसे पहले पहुंचे हुए था माशाल्लाह, मैं हाथ में आके कहने हाँ फारूक साहब मैं आ गया हूँ आपसे पहले आ गया हूँ माशाल्लाह, है अभी कुछ नहीं मेरे पास अच्छा सुना दो ये वक्कल की बात हजरत साहब की कहते है अभी कुछ नहीं मेरे पास फकीर की सोबत ली तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह देखा, अब मैं पीछे बैठ गया मैं तो कहाँ हजरत साहब कहाँ, अब मैं घबरा रहा हूँ जैसे वो कह रहे थे बाजी से पूछे थे हम खाना कितों खाओगे ऐसे ही टेकोगे तो मैं भी क्या सोच रहा हूँ हजरत पासपोर्ट ही नहीं है, ये सवाल बैठी खाना कहाँ से खाएंगे हजरत साहब, अब मैं वो बन गया ना फिक्र मुझे मैल क्या करूं मैं खाने कैसे लेकर आऊं साहब के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो पैसे नहीं है पता करेंगे क्या
आप सुनिए होता क्या, ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम गलत बता रहा हूं। उनका तो कष्ट बहुत बड़ा था ना हजरत का, बैठे ना ऐसे जोहर का वक्त, ये शैतानी ख्याल मुझे आने शुरू करने फजर के बाद, इस शाख के बाद ऐसा बात तो है ही कुछ नहीं, क्या करेंगे, दिन कैसे जाएंगे, पैसे तो है नहीं, फंस जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ख्याल आया था पैसों का, पैसे था ही नहीं के पास। मैं ऐसे ही बैठा तो एक शख्स आया, अब देख बता रहा हूँ आपको जो मैंने देखा, एक शख्स आया, अरब था कौन था मुझे नहीं पता, इतने नोट होंगे तकरीबन, ऐसे फेंके हजरत की गोद में निकल गए, इस तरह बैठे चादर ओढ़े, ऐसे चादर ओढ़ते ऐसे पड़े, ऐसे मैं पीछे बैठा था, मैं ये क्या हुआ फारूक साहब जी, कहता आप परेशान थे, पैसे गिन ले, मुझे गिनने नहीं आते। अच्छा दूसरा वसा क्या है, खाएंगे कहाँ से साहब, किधर होंगे असर के टाइम। एक शख्स आया, इतनी बेहतरीन मिठाई, और कौन थे वो, क्या थे, गुलाब जामुन, हरे गरम में खा इतनी गुलाब जामुन, गुलाब जाने और पत्नी क्या मिठाई थी मुझे नहीं पता, इतनी सारी डब्बे में, इसी तरह पास से गुजरा और हजरत की गोद में, हजरत फिर है कि फारूक साहब मुझे तो भूख नहीं, आपको भूख होगी तो आप खाते हैं। नंगा साहब मुझे इजाज़त दें, मेरा बस वसा दूर हो गया, मैं तवाफ करा हूँ उससे जाके, हजरत हजरत को भी चूहा हूँ अपनी मार के, मैं जरा तजदीद करा हूँ मैं भी। तो भाइयों ये तवक्कल वाले जो है ना लोग, वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, तस्वीजें नहीं, इन चीजों की इबादत से नहीं, तो वो कर रहे हैं जिसमें हमारा तवक्कल ही नहीं है, अल्लाह है ही नहीं हमारे साथ, बस ही माथे टेके जा रहे हैं, वो अल्लाह में पाने बात सही कही ना, दिल के अंदर ला इलाहा उतारें, तवक्कल पैदा करें, फिर हर नमाज आपकी जो होगी जीव नमाज होगी। ये सबक अल्लाह वालों को पहुंचाने का, जब तक तवक्कल हासिल ना हो जाए, लगे ना उसके पीछे लग जाए, छोड़े ना उसको। मुजाहिदात होते हैं, पूरी जिंदगी चलते हैं भाई मुजाहिदात, ये कि घंटों घंटे होते हैं, चार घंटे गुजर गए, दो चार दिन हो गए, पंद्रह दिन हो गए, नहीं नहीं सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी गुजर जाए, लगे कि आज ही आए अपने हजरत के पास में। पहले दिन हम सोचते हैं असबाब चलते तो पूरे कर लें, असबाब को पता मैं वली बन जाऊंगा, फिर अपनी खानका खोल के बस मैं दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह लोग मेरे सामने आने शुरू हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। ये किस ये नियत से ना जाएं कभी भी, मराइज को खत्म करना है, ऐसे ऐसे मराहल हैं हमारे अंदर, ऐसे ऐसे भुगत गुस्से हैं हमारे अंदर, ऐसे ऐसे बड़े पर्दे हैं हमारे पर, अल्लाह नहीं मिल सकता उसके ऊपर, सफाई हम नहीं करेंगे उसकी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए इस रास्ते में मेहनत करने की। شبي يوسفين تها يسين الحبيبين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وهاد المؤمنين وزرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا وزيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذلنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأبدنا كل ذلك عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم
تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سمتنا للإيمان وأمتنا للإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا ہمارے ساتھ ہی اس مسجد کے مصلی بھی ہیں ڈاکٹر مقتدی صاحب سخت بیمار ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحت کاملہ آج نصیب فرمائے اور ایمان والی خوبصورت زندگی نصیب فرمائے اللہم عافنا فی بدنی اللہم عافنا فی سمعی اللہم عافنا فی بصری لا الہ الا انت ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم ارحمہما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله